राजस्थान की राजधानी जयपुर में चुनाव से तीन दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व नारी शक्ति करने जा रही है। इसी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से जनता दरबार ने खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। अमित शाह जी का रोड शो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलने वाला है, सागानेरी गेट हनुमान मंदिर पे हम खड़े हैं। हमारे साथ में नारायण पंचारिया जी, गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज अमित शाह जी का रोड शो निकलने वाले, एक अनोखी बात यह है, महिला शक्ति को कमान सौंपी गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आज का रोड शो है ये ऐतिहासिक रोड शो है, क्योंकि मात्र चुनाव प्रथम चरण के चुनाव में मात्र प्रचार का दो दिन बचा है। भारतीय जनता पार्टी में, राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में, हमारे गृह मंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आने ही वाले हैं। यहाँ की जनता का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को बनता है। इसे ये संदेश स्पष्ट जा रहा है कि केवल जयपुर ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के अंदर 25 कमल खिलेंगे और हम भी आज संकल्प कर रहे हैं कि यहाँ से 25 के 25 उम्मीदवार जिताकर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजेंगे। गोपाल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आमतौर पर साफा जो है राजस्थान में पुरुषों के माथे की शोभा बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर आज नारियों के सर पर ये साफा सजा है और नारियां ही इस पूरी यात्रा का, हम कह सकते हैं कि पूरा सार संभाल करेंगी, क्या कहेंगे? गोविंद देव जी की नगरी, भारत के सशक्त नेता अमित शाह जी का स्वागत करने को बेताब है। उन्होंने धारा 370 हटाकर जो देश को संदेश दिया है, उसका जनता स्वागत कर रही है और चुनाव के माध्यम से भी यही संदेश है। नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से आया। तीन और राजस्थान की भी बात करें तो महिला शक्ति को प्रचुर मात्रा में टिकट बांटे गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये खुशी की बात है और ये पन्ना धाय पद्मिनी मीराबाई की धरती है, तो नारी के वंदन को जो प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने किया है, उसका अभिनंदन कर रही है। हम ये मान ले, अभी वो समय आ गया है जब नारी सिर्फ कंधे से कंधा नहीं मिलाएगी बल्कि मोर्चे को संभालेगी, देश के ऊपर राज करेगी। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज ये जो पूरा रोड शो निकल रहा है, महिलाओं के नेतृत्व में निकल रहा है, महिलाएं आगे आगे चलेंगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, नवरात्र चल रही है, माँ दुर्गा साक्षात अपना आशीर्वाद देने पधारी है और मोदी जी का सबसे बड़ा सहयोग धन्यवाद इस बात का रहा कि आप मातृशक्ति को टिकट दिया। जयपुर में पहली बार माँ दुर्गा अपनी अस्थिता बचाने के लिए सारी दुर्गा इकट्ठी हो रही है, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। हम पूरी 25 से 25 सीट जीत करके मोदी जी को देंगे और मोदी जी को विश्वास दिलाते हैं कि पूरे भारत में 400 से 500 हम लेकर के आएंगे और मोदी जी का जो विश्वास है इन महिलाओं पे वो पूरा करेंगे। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी भी हमारे साथ है। सर, जो 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 साफा पुरुषों की शोभा बढ़ाता था, राजस्थान की अगर हम बात करें, आज महिलाओं के सिर पर वो साफा सजाए, क्या कहें? मातृशक्ति वंदन के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, उसको आज आप यहाँ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और आज जयपुर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि हमें मंजू दीदी जैसी कैंडिडेट मिली है। वो न सिर्फ जयपुर की बेटी हैं, वो भंवरलाल जी की बेटी हैं, वो भैरव सिंह जी की लाडली हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंद हैं, जिनको उन्होंने यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है, जो भारत की पहली 10 लोकसभा के अंदर जयपुर का नाम होगा। देखते हमारे साथ पुनीत कर्णावत जी, और साफ तौर पर जिस प्रकार से आपने देखा कि महिलाओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ तमाम ये जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, आज मोर्चा आप लोगों ने संभाला हुआ है, क्या कहेंगे? सर, मोर्चा क्या, मोदी जी ने हमें इतनी आजादी दे दी है तो महिलाएं हर काम में आगे आ रही है, मोर्चा भी संभाल रही तो काम भी करा रहे। और इस बार जो रेशियो रहा था ना, जब हमारे विधायक जीते थे, भजनलाल जी सीएम बने, हम सागनेर विधानसभा से है, तो हमारा जो महिलाओं का वोट प्रतिशत था ना, वो 60 से ज्यादा था और अब उससे भी चाहते वो ज्यादा हो। इसलिए हम जो महत्व, जो महानता, जो हमें इज्जत जो दी है मोदी जी ने, हम उनकी कदर करेंगे, उनका
अक्सर देखा गया है भारत के अंदर महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता था, घर संभालने तक उनको रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने अपने बलबूते तरक्की की है, प्रगति की है, और आज गृह मंत्री के इस कारवा के आगे महिलाएं आगे आगे चलेंगी। सबसे आगे महिलाएं चल रही है, जो घर घर स्थिति करती थी वो ले लीजिए, जो बोल नहीं पाती थी उन्होंने सब कुछ लेडीजों को बोलना सिखाया और हिम्मत दी उन लेडीजों को कि आप मात्र सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ने की आपको जरूरत है। और हम लोगों ने इतना साहस है कि हम लोग आगे बढ़ के वाकई में हम लेडीजों को जो अंदर रहती है उन लेडीजों को एक एक घर से निकाल निकाल के उनको मात्र शक्ति की हम लोग पहचान सिखाएंगे, उनको ताकत दिखाएंगे कि आप घर में भी काम कर सकती हो और बाहर भी काम कर सकती हो। ऐसे हम मोदी जी को हम लोगों ने सिखाया, बहुत शक्तिशाली बनाया हम लोगों को, और आज लेडीज किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, आगे बढ़ने के लिए सबसे आगे लेडीज ही रहती है। पूरा भारत माता की जय। अनुराधा जी भी हमारे साथ है, अनुराधा जी क्या कहेंगी, आज इस रोड शो की कमान महिलाओं के हाथ में। बिल्कुल, आप महिलाओं की संख्या देख रहे हो, महिला मोर्चा जयपुर शहर ने ये बता दिया है कि मोदी जी ने नारी शक्ति अभिनंदन बिल पास किया और हम उस पर खरा उतर रहे हैं, तो आगे आने वाली भी महिला है और आज भी महिला है, और महिला को टिकट मिला है और कम से कम 7 लाख से जीत दिलाएंगे। और अमित शाह जी का गुलाबी नगरी में महिला मोर्चा सांगानेरी गेट अनुमान से गाड़ी के आगे आगे रहेगा और उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। ये थी हमारी जयपुर की महिला शक्ति। इनका साफ तौर पर कहना है कि ना सिर्फ अमित शाह के इस रोड शो की बागडोर उन्होंने संभाली है, बल्कि मंजू शर्मा जी जो कि खुद एक महिला है, उन्हें जयपुर शहर की कमान दी गई है लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में। न सिर्फ मंजू शर्मा बल्कि तमाम जयपुर की जो महिला शक्ति है वो न सिर्फ जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का मान बढ़ाएगी, और मोदी जी की झोली में राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीत कर जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ जनता दरबार के लिए मैं उमंग माथुर।